थी, लेकिन उस वक्त के सरपंच को मैंने बुलाया 3 दिन के बाद और मैंने कहा कि मेरे लोग बंद कर दूं तो तुम्हारी जिंदगी का सवाल है, ये वो वायरस है जो तुम्हारी नस्लों को बर्बाद कर देगा। मैं सरकार से अपील करता हूँ क्योंकि मैं गवर्नमेंट वाली नहीं हूँ। बीते दिन यानी 4 अगस्त को मेवात के एक मशहूर शख्सियत मास्टर बसरुद्दीन का रिटायरमेंट फंक्शन था। इस रिटायरमेंट फंक्शन में जो लोगों में जश्न और खुशी का माहौल देखा गया और जो भीड़ मास्टर बसरुद्दीन के रिटायरमेंट के मौके पर उन्हें बधाई और मुबारकबाद देने पहुंची, मैं दावे से कह सकता हूं कि ऐसा रिटायरमेंट फंक्शन और ख़ासकर किसी टीचर का रिटायरमेंट आपने आज तक ऐसा नहीं देखा होगा। ये रिटायरमेंट फंक्शन और इस रिटायरमेंट फंक्शन में देखा जाने वाला ये माहौल मास्टर बसरुद्दीन के कई सबूत पेश कर गया। बता दें कि मास्टर बसरुद्दीन ने बतौर टीचर मेवात में तकरीबन 32 सालों तक अपनी सेवाएं दी और अलग अलग जगहों पर जाकर उन्होंने अपना काम खूब ईमानदारी से अंजाम दिया। मास्टर बसरुद्दीन की मेहनत और उनके काम की ईमानदारी का सबूत ये पेश करने के लिए काफ़ी है कि 2018 में मास्टर बसरुद्दीन को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेशनल अवार्ड से नवाजा था। मास्टर बसरुद्दीन की अचीवमेंट्स और मास्टर बसरुद्दीन के प्रति लोगों में देखा जाने वाला ये खुशी का माहौल उन टीचर्स के लिए एक बड़ा सबक है जो हमारे सरकारी स्कूलों के हालात के जिम्मेदार हैं, जो स्कूल जाकर बच्चों के मुस्तकबिल को नज़रअंदाज करके स्कूल की कुर्सियों पर जाकर सो जाते हैं। और ये सबक है उन लोगों के लिए जो सरकार की तरफ से मिलने वाली तनख्वाह को बगैर अपना फ़र्ज अदा किए हासिल कर लेते हैं। इस मौके पर यहाँ देखा जाने वाला ये माहौल और लोगों में उनके लिए एक अनोखा प्यार सिर्फ एक भीड़ नहीं, ये इस बात का सबूत है कि अगर कोई भी इंसान अपना काम और अपना फ़र्ज ईमानदारी से अदा करे तो लोग उसके सम्मान में अपनी पलकें बिछा देते हैं। मास्टर बसरुद्दीन ने इस मौके पर लोगों को मुखातब करते हुए कई अहम चीज़ों पर रोशनी डाली। मास्टर बसरुद्दीन का इस मौके पर ये बयान और ये स्पीच चाहे स्टूडेंट्स हों या पेरेंट्स, इन दोनों में से आप एक ज़रूर होंगे और इन दोनों के लिए ही बहुत ज़रूरी है। मास्टर बसरुद्दीन की ज़िंदगी लोगों के लिए एक बड़ी इंस्पिरेशनल स्टोरी है। मास्टर बसरुद्दीन की इस इंस्पिरेशनल स्टोरी के बारे में किसी दूसरे वीडियो में बात करेंगे, लेकिन आज सुन लेते हैं कि मास्टर बसरुद्दीन ने अपने रिटायरमेंट फंक्शन के मौके पर क्या कहा और लोगों को क्या पैगाम दिया। सरकार स्कूल में पढ़ने वाले जो फूड स्टूडेंट और शायद झारखंड से भी आए हैं, सभी स्कूलों से सालहरी से भी हैं, सभी वो साथ साथ आए क्योंकि लंबा टाइम हो गया। और आप लोगों को सबसे पहले तो मैं इस बात की मुबारकबाद देता हूं कि आपने 5-6 घंटे तक इस प्रोग्राम को कंटिन्यू किया, सुबह से लेकर के, और अब तक जो आपका दोस्त है, इस दोस्त से आपने एक शिक्षक का सम्मान किया है। मैं मानता हूं कि ये बसरुद्दीन का सम्मान नहीं बल्कि पूरे शिक्षक समाज का आपने सम्मान किया है। मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूं, आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आज छात्रों ने, समाज के सभी तत्वों ने एक शिक्षक का जो सम्मान किया वो ना एक पर्टिकुलर किसी टीचर का किया। मैं मानता हूं कि ये सम्मान पूरे शिक्षक जगत का है। मुझे ये बताने की कोई जरूरत नहीं कि मैंने अपने जीवन में कैसा काम किया, ये बात आपकी जो हाजिरी है, आपका जो जोश है, वो इस बात की तस्दीक करती है कि जो भी मैंने काम किया है वो आपके सामने है। अगर काम के बारे में बताने लगूं तो जाहिर सी बात है 30 साल 7 महीने 15 दिन का जो काम अगर बताने लग जाए आदमी तो कम से कम 1-2 दिन तो लग ही जाए। लेकिन क्योंकि मैं बहुत कम समय लूंगा, सिर्फ मैं 2 बातें जरूर बताना चाहूंगा। मैं
जाते हैं, लेकिन मैं कभी भी अपने उस पास्ट को नहीं भूलता जो मैंने जिया है। जैसे मेरे काम के साकेत ने बताया कि हम उस इलाके से आते हैं कि जिस इलाके में पढ़ाई की कोई बात नहीं थी। 75 आज से 50-55 साल पहले वहां पर अगर कोई चिट्ठी भी आती थी तो उस इलाके में दूसरे गांव में जाना पड़ता था। नौंदा लिखवाने के लिए भी दो चार चार गांवों में एक आदमी हुआ करता था। मैं उस इलाके से आता था। ऐसे इलाकों में पढ़ाने के लिए कुछ वो संपन्न परिवार अपने बच्चों को पढ़ा करके बाहर भेज देते हैं, लेकिन मैं वो खुशकिस्मत इंसान हूँ जो एक गरीब घर में रह करके मेरे बाप ने जो यहाँ पर आपके सामने बैठे हैं इन्होंने मेहनत मजदूरी करके मुझे पढ़ाया। जब मैंने 9th क्लास में दाखिला लिया मेरा स्कूल 8 किलोमीटर पड़ता था मेरे गांव से। मुझे पुरानी एक साइकिल दी गई 90 रुपए की, 10 रुपए में उसकी रिपेयर हुई और मैंने 3 साल तक उस साइकिल से पढ़ाई की। जब मैंने BSc में राजकृषि कॉलेज अलवर में एडमिशन लिया तो हमारे पास फीस भरने के लिए भी पैसे नहीं हुआ करते थे, छोटा सा जमींदार था। मेरा बाप मुझे मजदूरी करके पढ़ाया, मैंने खुद मजदूरी इनके साथ की और ये बात मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि पैसा ना होना किसी इंसान की तरक्की में नहीं बाधा बन सकता। मैं मेरे माँ बाप का एहसान जिंदगी में नहीं चुका सकता, वैसे तो कोई औलाद नहीं चुका सकती, लेकिन मैं जितनी मेहनत से इन्होंने मुझे पढ़ाया शायद मैं मरते दम तक इनका एहसान नहीं चुका सकता। इन लोगों ने ऐसे हालात में मुझको पढ़ाया। दो बात थी, ना वहां पढ़ने वाला था और ना पैसा था, मजदूरी कर करके मुझे पढ़ाया। कई बार मेरे याद है कि पत्थर खोदने में खुद साथ गया फिर मैं पढ़ा, मुझे कोई शर्म नहीं आती। कुछ लोग शर्माते हैं, कुछ लोग वर्तमान को देखते हैं कि आज बहुत बड़ा पैसे वाला है, लेकिन मैं कभी भी अपने पास्ट को नहीं भूलता और यही वजह है जो मेरे दिल के अंदर गरीब को पढ़ाने की जो आग है, जो एक तमन्ना है। मेरे से जब मीडिया वाले पूछते हैं कि आप दिन रात पढ़ाई की बात क्यों करते हो, मुझे पता है मैंने गरीबी जी है, मुझे पता है मैं गरीबी में पढ़ गया, मेरा परिवार संभल गया। अगर किसी गरीब का बेटा या बेटी पढ़ गई तो उसका परिवार संभल जाएगा, इसीलिए मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, यही मेरी वजह है। मैंने कभी चुनौतियों से घबराया नहीं, मैं किसी ज्यादा सपनों की आपको कहानी नहीं बता पाऊंगा। इन्होंने बता दिया कि मैंने 13-14 साल लाइव क्लास लगाई, झारखंड में मैंने 1.5 साल लाइव क्लास लगाई, लेकिन मैं एक साले के जी गाँव हम उस्मान हम बैठे हैं। 2019 में जब ट्रांसफर हुए ऑनलाइन तो मेरे सबसे ज्यादा मार्क्स थे 65 मार्क्स, अवार्ड के और रिजल्ट के और 55 साल उम्र 65। मैं चाहता जिस सिचुएशन को ले लेता। हमारे डीओ शास्त्री साहब ने मेरे से कहा, और बल्कि उस टाइम डीसी साहब थे जब अवार्ड मिला था, उन्होंने मेरे से कहा कि आप साला है ले लो, नाक के तले सकून खराब हो रहा है। और मैं ये नहीं कहता कि वहां का स्टाफ बढ़िया नहीं था, और मैं ये भी नहीं कहता कि गांव बढ़िया नहीं था, लेकिन साल में ले बैठा। वहां एक अध्यक्ष के साथ झगड़ा भी हो गया, जब साल में ले बैठता तो कई बातें हो जाती। हम लोग आराम पसंद हो जाते हैं, अपना नजदीक का स्टेशन देख लेते हैं, लेकिन मैंने वो चैलेंज स्वीकार किया और ये बैठे ये गवाह इस बात के कि उस गांव के अंदर जो रास्ता था सकून में से बीच में से रास्ता था, उस सकून में दोनों गेट खुले थे, मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर, पैदल, गाय, भैंस,
वो बच्चे सिगरेट फेंक करके जंगलों में जाते थे, पीछे जुआ खेलते थे, मतलब जो हालत बुरी थी उसकी शायद मैं बयान नहीं कर सकता कि 150-125 बकरियां उसके अंदर चलती थी, बच्चों के बैग को कैसे करना। लेकिन उस वक्त के सरपंच को मैंने बुलाया 3 दिन के बाद और मैंने कहा कि अगर ये लोग बंद कर दूं तो मुझे कोई बात नहीं। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि लोग दूर से डरते हैं कि फला काम बहुत खतरनाक है, बहुत बेकार है, वो साला यदि काम के नाम से लोग डरते हैं। काम ने 100% कोऑपरेट किया, मैंने लॉक लगवा दिया, उसने परिंदा भी पर नहीं पाता। ज्यादा कहानी नहीं बताऊंगा, तार फेंसिंग करा दी, 3 लाख लीटर का वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, यहाँ मुबीन जी है उस टाइम ये SRF में थे, 11 किलोवाट का वहां पर सोलर पैनल लगवाया, टाइल लगवा दी और 128 पेड़ लगवाए जो आज दरख्त हो गए, क्योंकि उस गांव में ना पानी और ना मिट्टी दोनों चीजें कोई सी भी नहीं है और आज भी ऐसा ही है। लेकिन जब विल पावर इंसान की होती है तो वो कुछ भी कर सकता है। आज वो हरा भरा एक ऐसा सक्षम दिखाई देता है, एक बच्चा उसकी नियंत्रण नहीं करता, वही काम जिसको ये कहते हैं। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ मेरे अध्यापक साथियों, अगर अध्यापक ने ये सोच लिया कि हमें काम करना है तो कोई काम बेकार नहीं है, बेकार है ही नहीं। प्लीज आपको केवल ड्यूटी से काम नहीं चलेगा, ड्यूटी से ज्यादा करना पड़ेगा अपने इलाके के लिए, तब काम चलेगा, क्योंकि ड्यूटी आप कर रहे हैं। और मैं ऐसा मानता हूँ कि अध्यापक की आत्मा कभी मर नहीं सकती, अध्यापक की आत्मा सो सकती है और सोई हुई चीज जगाई जा सकती है, मरी हुई चीज जिंदा नहीं होती। तो मेरे अध्यापक साथियों, आपसे मेरी एक गुजारिश है, इस मुबारक मौके पर लग जाइए जोश से। मैंने 30 साल तक जो आपके सामने खड़ा है कभी बैग होकर के नहीं देखा और रात दिन केवल तालीम की बात की, शिक्षा की बात की, और पढ़ाया है और उसका सबूत आप लोगों ने दे दिया। मैं ऐसा नहीं चुका सकता है मेरे बच्चों का, इन इलाके का, सारे राजस्थान जिले का, हरियाणा की जनता का, कि जितना हो सकता है मैं नहीं मानता था कितना मैंने काम किया है। लेकिन आपने जो सबूत दिया है कि शायद मैं इस एहसान को जिंदगी भर आप लोगों को नहीं बात पाऊंगा, आप लोग जो है आगे में बहुत धन्यवाद के बात है। एक बात बच्चों से मैं फील करना चाहता हूँ और समाज वाले को ध्यान रखना है, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। बात करने को मैं सुबह से शाम तक कर सकता हूँ, आपको पता है, क्योंकि समय नहीं है, सुबह से लेकर आप बैठे हैं। 2020 में जब कोरोना वायरस आया, उस टाइम सरकार ने ये कहा कि स्कूल बंद है, ऑनलाइन पढ़ाई कराई जाए और सरकार ने टैब दे दी, कुछ क्लासों के लिए कागज के मोबाइल से पढ़ाई। आप ध्यान से सुन लीजिए, जब मैं इन सर्विस था उस टाइम मैंने ये बात हर जगह से कही कि ये टैब और ये मोबाइल इस कोरोना वायरस से ज्यादा खतरनाक है। मैं आप दोनों से एक बात कहना चाहता हूं, बच्चों ध्यान से सुन लो, तुम्हारी जिंदगी का सवाल है, तुम्हारे माँ बाप बैठे हैं वो भी ध्यान से
इसलिए नहीं बताई कि मुझे कुछ